हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर नदीम वर्ल्ड स्टोर से। गाइस, 25 पतंगें जो हैदराबाद वाली की थी, ये मैंने दोबारा पैकिंग खोली है इनकी, ठीक है। पैकिंग खोलने के बाद ये उनकी बटरफ्लाई पतंगें, पैकिंग खोलने के बाद थोड़ी उन्होंने चेंजिंग वगैरह कराई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 25 पतंगें वही हैं जो दिखाई थी, ठीक है, और वही पतंगें 10 जो दिखाई थी, वही 10 पतंगें जो दिखाई थी, वही 10 पतंगें जो दिखाई थी, सब वही पतंगें, ठीक है। ये पतंगें सब वही हैं, बटरफ्लाई पतंग नहीं दिखाई थी मैंने आपको। अच्छा, इसके अंदर एक वो थे 6 का 10 के भर्रे जो यहाँ पे ये रखे हुए थे, 6 का 10 के भर्रे थे, तो वो मैंने 6 का 10 के भर्रे निकाल दिए हैं। इन्होंने मना कर दिया कि भर्रे नहीं चाहिए मुझे, तो 6 का 10 के भर्रे निकाल दिए हैं। और सारी पतंगें वही हैं, बटरफ्लाई पतंगें नहीं थी दिखाई थी मैंने आपको, तो बटरफ्लाई पतंगें मैं आपको दिखा दूँ हैदराबाद वाले की जो थी। एक डिज़ाइन ये है, ठीक है, एक डिज़ाइन ये वाला है आपके सामने, 3 पतंगें ये वाली हैं, ये वाला जो डिज़ाइन है, 3 पतंगें वाली हैं, इसमें एक आ गई है, 2 पतंगें ये वाला डिज़ाइन है, ये देखें दूर से थोड़ा सा दिखाता हूँ, 2 पतंगें वाला डिज़ाइन है, ठीक है, एक और एक दो की, दो जी 2 पतंगें, ठीक है, 2 पतंगें वाले डिज़ाइन की हो गई, एक पतंग वो वाले डिज़ाइन की जा चुकी थी, दो और आ गई, ठीक है, 2 पतंगें पिंक वाली हैं, ठीक है, और 2 पतंगें रेड वाली हैं, सही है। दूसरी बात, इन्होंने बोला था एक के ऊपर कंधे बांध देना, तो एक के ऊपर कंधे बांध दिए हैं मैंने, वो कंधे बनी पतंग ये रही, एक के ऊपर कंधे बांधने का बोला था तो बांध दिए। दूसरी चीज़, मैंने आपको एक चीज़ और नहीं दिखाई थी, ये 2 आइटम, ये आइटम इन्होंने अभी चेंज करवाए मेरे से, पहले ये आइटम इनके नहीं थे, फिर इन्होंने बाद में मुझसे रात में चेंज करवाया था। सोहेल अंसारी की डोर है, बटरफ्लाई ये रही 444 की डोर है डॉल्फिन, और ओरिजिनल डोर है, क्लास की चीज़ है, बहुत आला डोर लगी हुई है, बहुत प्यारी डोर लगी हुई है। सोहेल अंसारी की चरखी है गाइस, ये उसका अभी एक लेबल अभी निकला था, इधर ही कहीं लेबल पड़ा हुआ होगा इनका, इधर ही बैठ के मैं भी काम कर रहा था। खैर छोड़ें, सोहेल अंसारी की चरखी है, बहुत प्यारी क्वालिटी, बहुत आला चीज़ है, एक नंबर चीज़ है, गारंटी के साथ है, बहुत प्यारी डोर लगी हुई है, बहुत प्यारी डोर लगी हुई है। दूसरी बात, उन्होंने मुझे बोला था ब्लैक के जो कस्टमर है हैदराबाद वाले, उन्होंने बोला था यार ब्लैक में होनी चाहिए, कोशिश करना ब्लैक में हो जाए, ब्लैक में नहीं थी तो काला सुरमा मिल गया, तो ये हल्का हल्का सा मतलब ब्लैक शर्ट आ रहा है, काला सुरमा मिल गया, और डोर बहुत क्लास की लगी हुई है, बहुत प्यारी डोर है ये, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, सोहेल अंसारी की चरखी 1000 गज की, कल की शादी में आपको दिखा चुका था, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको ये चरखी नहीं दिखाई थी, तो ये चरखी के अंदर इनको शादी भरनी थी, तो मैंने ये भर दिए, याली लकड़ी वाली चरखी के अंदर ये शादी मैंने भर दिए, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, अब कुछ क्या रह गया, अब रह गया मेरा गिफ्ट, जो मुझे इनको गिफ्ट देना था, गिफ्ट मैं इनको क्या दूँ, चले मैं भी बताता हूँ गिफ्ट मैं इनको क्या दे रहा हूँ। मेरी तरफ से इनको गिफ्ट होगा, ये टेप है, 100 रुपये का एक टेप है, ये वाला टेप 100 रुपये का एक टेप है, ये डस्ट लगी हुई है, इसको भी साफ़ करता हूँ। इनको मैं अपनी तरफ से ये 2 टेप दूंगा, एक नहीं 2 टेप दूंगा, जाएं खुश हो जाएं, 200 रुपये का है। अली इसको साफ़ करियो, अली इसको एक मिनट साफ़ कर, ये मैंने अपने कपड़ों से साफ़ कर लिया भाई, ये देखें ये 2 टेप हैं, 100 रुपये का एक टेप है, 2 टेप मैं इनको अपने पास से गिफ्ट कर रहा हूँ, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जितने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें शेयर करें। ये सोहेल अंसारी की चरखी, गेरा लेबल में बोला था ना, लेबल 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 गेरा लेबल, और सोहेल अंसारी चरखी की आ गई, तो ये चरखी मैंने अभी, ये वाली चरखी मैंने अभी उतारी की, देखी यही कलर है सेम, यही कलर सेम, अभी मैंने उतार के दिए ये सोहेल अंसारी की डोर गेरी, ठीक है। 1000 गज 2000 गज की चरखी थी, 1000 गज उतार दी मैंने, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, क्योंकि मैं रोज़ 3-4-5 वीडियो रोज़ अपलोड करता रहता हूँ, बल्कि ज़्यादा ही अपलोड करता हूँ, तो इससे ये होता है कि जो जो मेरे पास माल आ रहा है बिक रहा है, और कस्टमर्स के जो व्यूज़ वगैरह जो आते हैं, तो वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। इससे ये होता है कि आप जो कस्टमर के व्यूज़ आते हैं, तो मेरे जो कस्टमर्स होते हैं, जो नए कस्टमर्स होते हैं, वो सेटिस्फाई रहते हैं मेरे से कि हाँ यार ये बंदा एक नंबर है, माल पैसे ले रहा है तो माल भेज भी रहा है। तो कस्टमर व्यू से लाजमी दिया करें, कस्टमर जो मुझसे भी माल लेता है, जैसे भाई हैं ये मुझे व्यू लाजमी देंगे, इससे पहले भी दे चुके हैं ये भी मुझे लाजमी देंगे, आप व्यूज़ लाजमी दिया करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।